कृपा है, वो सब माता रानी की है। और चमोली पुलिस ने हमारे साथ एक भाई वीडियो भाई शेयर किया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू डे। और नए डे की शुरुआत फिर से घर से, दो दिन से जो अंशिया माता की हम लोगों ने भाई पूरी यात्रा की, उसके बाद मैं पहुंच चुका था शाम को कल घर पे, क्योंकि भाई मुझे सबसे पहले जो ब्लॉग और जो रील थी ना वो एडिट करना था, क्योंकि इस रील और इस ब्लॉग की डिमांड भाई बहुत जगह से होती है, बहुत जगह से। और हमने जैसे ही अभी तक भाई रील अपलोड किया ना, वो मतलब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, आप लोग झूठ बोल रहे हो, सोच रहे हो ना, ये देखिए, हमने लगभग अभी 10-15 मिनट पहले रील अपलोड की है, तो ये अभी तक 5000 लोगों ने देखी। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी ये रील देखी ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ ये रील है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो जाए। और अभी मुझे फिर से जाना है वापस गाँव में, तो जो डोली है ना वो आज गाँव में भ्रमण करती है, तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। तो आज सुबह जल्दी उठ के एडिट कर लिया था, और अभी मैं मम्मी और पापा जा रहे हैं कहाँ, गाँव देवलधार। पापा जी, तो पापा जी भाई आज अभी गाड़ी निकाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको पार्किंग का दिक्कत है। गुड मॉर्निंग माता जी, जय श्री राम। तो माता जी भी रेडी हो गए, पापा भी रेडी हो गए, और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जिमी भी हैं। जिमी चौकीदारी कीजिए यहाँ पे आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ को, मैंने बता दिया। तो मम्मी आप तो कल आए थे, कहाँ तक आए थे, मेरे को दिखे तक गई थी मैं, सारी देवियों का स्वागत किया था, स्वागत किया भेट पावर की। इससे मैं अब गांव जाऊंगी, वहां देवी अपनी देवी है और ज्वाला माता के दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, आपको भी तो मैं आप लोगों को बस तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 5 बहनों में से उसमें से एक बहन ज्वाला देवी है, जो हमारे गांव की कुल देवी है। तो भाई मैं रुका था थोड़ा पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यार मिठाई विठाई ले जानी थी, और मिठाई तो बूंदी मिल नहीं रही, तो हमने कहा एकदम लड्डू ही रख लेते हैं, थोड़ा सा लड्डू भी तो चढ़ाना होता माता रानी के लिए। तो मम्मी बूंदी नहीं है वहाँ, लड्डू वो लेके आए हम लड्डू, तो ये तो मम्मी ने और सब कुछ रख रखा ना, साड़ा तेल वो एकदम जो भी होता है, मतलब पक्का ठीक है। तो भाई मम्मी ने पहले व्यवस्था बना के रखी थी, क्योंकि मम्मी लोग तो कल आए थे गेट तक और घर भी गए थे, तो सब कुछ पहले से कर सके, तो बस हमें जाना है। पहुंच चुके हैं हम लोग गांव की तरफ को, देख सकते हो भाई ये है मेरा गांव का एरिया, और यहीं पे मेरी गाड़ी पार्क रहती है। और ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है भाई गोपेश्वर से गाँव पहुँचने में, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगते हैं वैसे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, और ठीक सामने है गोपेश्वर, देख रहे हो धुंध लगी है अभी। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी पे भी मेरा काम लगा हुआ है, जो गांव में ही कंप्लीट होगा। बट यह कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे दिक्कतें हैं, मतलब जो स्लाइड आया था ना भाई पिछले बार, उसकी वजह से रास्ता वास्ता ख़राब हो गया था, तो कुछ टाइम में ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट पर पूरा पूरा फोकस हो जाएगा। अभी तो ऐसा ऐसा रास्ता हो रखा है, देख रहे हो भाई ये है। और कल जो डोली थी ना वो गांव में राणा जी लोग के वहाँ पे थी, तो अभी तो निकली नहीं वहाँ से, फटाफट पहले चलते हैं घर पे, भाई दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि माता रानी आज घर पे आ रही है ना, तो भाई दरवाजे खोलेंगे। और बहुत लोग कह रहे थे कि आप भाई धोती हैं बहुत अच्छे लग रहे थे, तो धोती हमने इसलिए पहनी थी यार, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर रहता ना कि संस्कृति को भी देखना पड़ता है, और जब डोली के साथ चलते हैं ना तो ऐसे नहीं चल सकते, इसीलिए। तो आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ढोल दमाओ की, तो माता रानी भाई अब जहाँ पे कल उनका रात्रि विश्राम था वहाँ से आज निकलेगी, और पूरे गांव में भ्रमण करेगी, और सबके घर घर जा जा के ना भाई जो पूजा अर्चना होती वो होती है, तो अभी रुकी हुई है राणा परिवार में। तो चलते हैं और देखते हैं भाई, जो मतलब सुबह की पूजा होती है ना, मतलब डोली निकालने के टाइम की, वो बहुत ही अलग वाइब होती है, बहुत ही रिलीजियस वाइब होती है, क्योंकि ढोल दमाओ और पूजा के साथ अलग ही मैच होता है उसका।
देख रहे हो कि किस प्रकार से आज डोली जब तुम निकलती है ना उस जगह से, तो बहुत भयंकर नाचते। तो जब पीछे भी देखो भाई, इतना तगड़ा जो है ना उनका नृत्य, वो बहुत ही खतरनाक है। जो डोली नाचती है ना, वो उसको कंट्रोल करना बहुत ही टफ है भाई। वो बहुत ही मतलब जो पशु होते हैं ना वो भाई, मैं जैसे यहाँ पे ब्लॉग कर रहा था ना भाई, डोली जस्ट पीछे से आई और चूल्हा का जो मतलब बनाते हैं ना आज दिन का जो भोज होगा वो यहाँ पे होता, तो जस्ट वहाँ पे आ गई भाई। मतलब सीरियसली भाई, वो भी मैं अभी बस ऐसा था कि क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे आज दिन का भोज बनेगा माता रानी का। तो दोस्तों भाई, अभी तो जो हमारी ज्वार पर डोली है ना, वो तो भाई गाँव में भ्रमण करती, लेकिन अभी पता चला कि भाई जो कठोर की डोली है ना, वो भी आज हमारे गांव में आने वाली है। तो सभी जो गांव की महिलाएं हैं वो देवी को लेने जा रही है। होता है ना जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको ही पूरी मेहमान नवाजी की जाती है, तो वैसे ही देख रहो पूरा गांव जा रहा है तो कठोर के देवता को लेने जा रहे हैं, क्योंकि पहुंच चुका है हमारे गाँव के एरिया में, तो इसलिए सभी लोग लेने जा रहे हैं। देखते हैं अभी किस प्रकार से स्वागत होता है देवी का। दोस्तों भोज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले जो भोज चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाता है माता रानी को, और माता रानी को भोग चढ़ाने के बाद उनकी जो मूर्ति है ना उसको ढक लिया जाता है। तो जो ये है ना प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी जितने भी मतलब माता रानी के साथ चलने वाले देवरे होते हैं ना उन सबके लिए भोज कराया जा रहा है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मतलब आज ज्वाला माता देवी और जो कठोर की डोली है दोनों साथ में बैठी हैं देखिए, और इस साइड पर जितने भी देवरे हैं दोनों के वो सब मतलब भोज चल रहा है। देख सकते हो भाई क्या मस्त लोकेशन पे भाई आज चल रहा है। तो ये सारा कल्चर जो है ना भाई बहुत ही अलग लेवल का लगता है भाई। तो कहानी ऐसी है कि भाई अभी सारे परिवार से अर्घ लेके डोली अब हमारे वाले घर पर आने वाली है, तो हम भी अब भाई माता रानी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ समय बाद माता रानी पहुंच जाएगी यहाँ पे और हम भी आज अर्घ चढ़ाएंगे। तो पूरी कहानी है कि माता अंशुया की बहन है ना, उनकी जो कृपा बरसती है ना बहुत ही अच्छी है, तो जो मेरे ऊपर कृपा है वो सब माता रानी की है और गोपीनाथ जी की है। बस इनकी कृपा बने रहे तो सब कुछ अच्छा होगा, और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे सबके लिए। तो देख रहे हो भाई यहाँ पे ताई जी लोग भी हैं, ताऊ जी लोग भी सब हैं, आने वाले हैं। तो देवता आ गया है, देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से दोनों बहनें आज गांव में मिली, और भाई जो मतलब गांव वालों ने उनके लिए रात्रि भोज की व्यवस्था बनाई थी वो बनाई थी मेन मंदिर में जहां पे ज्वालपा देवी का मंदिर है। बट भाई देवी जो हमारा मतलब मेन बराम जिसको गढ़वाली में खोला बोलते हैं, वहां पे दोनों बहनें भाई इस प्रकार से मतलब उन्होंने अपना रूप दिखाया ना कि क्या बताएं हम लोग, और कहा कि आज मैं यहीं पर रात्रि विश्राम करूंगी। तो दोनों बहनें का विश्राम यहीं पर होगा, और अभी माता रानी भाई हमारे मतलब बरामदे में आने वाली है, तो वहीं पे हम लोग भी आज अपना अर्घ देंगे माता रानी को, और दोनों माताएं भाई एक साथ आ रही है तो बहुत बड़ी बात है यार।
कि बहुत ही रेयर चांसेस बोलते हैं, जैसे उनमें से आज ये चांस बना हुआ है कि दोनों बहनें एक साथ रहने वाली है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं कठोर की देवी के और अपनी ज्वालपा देवी के, दोनों के दर्शन हमारे हुए बहुत ही प्यारे तरीके से। दर्शन में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई दोनों माता रानी घर पे पहुंची और हम लोगों ने अर्घ चढ़ाया, और अर्घ चढ़ाने के बाद आज देवी भाई गांव में ही रहने वाली दोनों देवियाँ। और बहुत ही रेयर चांस मुझे लगता है कि जितने आज तक मैंने अपने जीवन में यात्रा की है अंशिया माता की, उसमें से ये फर्स्ट टाइम है लग रहा है ऐसा कि दोनों बहनें साथ में रह रही है, और बहुत ही सुकून का पल है। जैसे ही माता रानी के दर्शन हुए ना, सच में सारा कष्ट सारी टेंशन दूर हो गई है। मतलब ये साल का जो मतलब अंतिम समय है ना, वो माता रानी के साथ ही रहा मेरा। और मुझे भाई दर्शन करने के बाद डायरेक्ट आना पड़ा गोपेश्वर। गोपेश्वर आने का रीज़न यह है कि हमारा चमोली पुलिस के साथ एक भाई वीडियो कोलैब हो रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे गोपेश्वर वापस आना पड़ा। तो जो आप लोग भाई 31st न्यू ईयर की पार्टी भाई इंजॉय कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग चमोली पुलिस ने हमारे साथ एक भाई वीडियो भाई शेयर किया है, तो आप लोग भी भाई इस वीडियो को शेयर करें और देखें इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय गोपीनाथ। मेरा नाम अमित सिंह नेगी और मैं चमोली से हूं। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि 31st और न्यू ईयर की भाई प्लानिंग शुरू हो चुकी है सभी की, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर वालों के साथ ही 31st और न्यू ईयर को इन्जॉय कीजिए। और इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको हो रही है, तो आप लोग भाई होटल्स का प्लान बना रहे होंगे, तो इसी के साथ साथ चमोली पुलिस ने भी कुछ गाइडलाइन भाई जारी किए हैं। उनमें से यह है कि भाई आप लोग भाई कोई भी नशे में गाड़ी ना चलाएं, कोई भी हुड़दंग ना मचाएं, और किसी भी जगह पर कोई हल्ला गुल्ला ना करें, क्योंकि 31st को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग दूर रहें। तो देखा आप लोगों ने चमोली पुलिस और हमारा जो कोलैब वीडियो था, वो हम लोगों ने आप लोगों के सामने दिखा दिया। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी भाई एकदम संभल के रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जो ये टाइम है ना, ये थोड़ा सा भाई केयरलेस हो गए ना, तो बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर लेता है। तो आप लोग इन्जॉय करो 31st को भी, न्यू ईयर को भी, लेकिन थोड़ा सा केयर के साथ, क्योंकि नया साल अच्छे तरीके से जाए और जो पुराना साल है वो अच्छे तरीके से आप लोग बिताएं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नए साल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।